हे दोस्तों, आज है 10 मार्च और एक बार फिर से क्रेजी फोर टीवी अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आ चुका है टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि आज टीवी के तड़के में क्या कुछ है खास। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, विवेक अग्निहोत्री के आरोप पर बोले कपिल शर्मा, कही ये बात। हाल ही में फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने बताया है कि बड़े कमर्शियल स्टार नहीं होने की वजह से द कपिल शर्मा शो ने द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करने से इनकार कर दिया। ऐसे में कपिल शर्मा को लोगों ने निशाने पर ले लिया और जमकर ट्रोल भी किया। वहीं अब एक यूजर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कपिल ने इस पूरे विवाद पर रिएक्ट किया है। जी हां, दरअसल कन्वर एस राठौर नाम के एक यूजर ने कपिल से ट्वीट करके सवाल पूछा, कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से क्यों घबरा गए कपिल? किस बात का डर था जो विवेक अग्निहोत्री और उनकी फिल्म की सुप्रतिष्ठित स्टार कास्ट को अपने शो पर आने का न्योता नहीं दिया? इसी के जवाब में कपिल शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये सच नहीं है राठौर साहब, आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाकी जिन्होंने सच मान लिया उनको एक्सप्लेनेशन देने का क्या फायदा। जस्ट अ सजेशन, एज अ एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया यूजर, नेवर बिलीव इन वन साइडेड स्टोरी इन टुडेज सोशल मीडिया वर्ल्ड। धन्यवाद। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, मंडप से दूल्हा दुल्हन के जोड़े में वायरल हुई इमली आर्यन की तस्वीर, क्रेजी हुए फ्रेंड्स। स्टार प्लस के शो इमली में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। हाल ही में शो में दिखाया गया कि आर्यन आदित्य से बदला लेने के लिए उस पर झूठा खबर फैलाने का आरोप लगा देता है, जिसके बाद उससे पत्रकारिता का हक और उसके सारे पुरस्कार छीन लिए जाते हैं। ऐसे में इमली आदित्य को बचाने के लिए आर्यन की मदद लेना चाहती है, लेकिन आर्यन उसके सामने शर्त रख देता है कि इमली को उससे शादी करनी पड़ेगी। वहीं अब इस फेक शादी के एग्रीमेंट के बाद इमली और आर्यन की मंडप से एक तस्वीर सामने आई है जो काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में इमली शादी के जोड़े में आर्यन के कंधे पर सरकती सोती नजर आई है। वहीं आर्यन इमली को देखता हुआ नजर आ रहा है। फैंस इस तस्वीर को देख काफी एक्साइटेड हैं और अपकमिंग ट्रैक पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, ढोल की धुन पर नाची प्रेग्नेंट भारती सिंह। पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। इस दौरान वो काम का भी लुत्फ उठा रही हैं। उन्हें हुनरबाज शो होस्ट करते हुए देखा जा रहा है। इस बीच उनके कई कॉमेडी से भरे वीडियो वायरल होते रहे हैं। अब वो सेट के बाहर पपराजी को पोज देती हुई ढोल की धुन पर नाचती नजर आई। जब भारती से डिलीवरी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा, अप्रैल फर्स्ट वीक में कभी भी मामा बन सकते हो। भारती की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग मुस्कुरा गए। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, बेटी पलक को कहा सुकड़ी और कुपोषित, मम्मी श्वेता ने मुंह तोड़ जवाब से की बोलती बंद। बेटी पलक को पतला, सुखड़ी और कुपोषित कहने वालों को अब श्वेता तिवारी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। श्वेता ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बेटी पलक को मिलने वाले तागों पर बात की और साथ ही बताया कि इस कारण पलक पर क्या बीतती है। श्वेता तिवारी कहती है, अभी लोग बोलते हैं ये कितनी सुखड़ी है, लेकिन मैं उसे कभी कुछ नहीं कहती। तुम ऐसे ही हो और ऐसे ही खूबसूरत लगती हो। तुम हेल्दी हो, दौड़ सकती हो और तुम्हारे वाइटल्स भी अच्छी हैं। जब तक वो हेल्दी है वो अच्छी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बॉडी किस टाइप की है। आजकल इंस्टाग्राम लोगों को ट्रोल करने के लिए काफी है। लोगों ने उसके लिए कुपोषित, सुखड़ी और ना जाने क्या क्या कहा, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, शमिता शेट्टी और राकेश बापट का हुआ ब्रेकअप, 4 दिन भी नहीं चल सका रिश्ता। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। शमिता और राकेश के बीच कई बातों को लेकर मतभेद होने लगे थे। ऐसे में शमिता और राकेश ने अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, बिग बॉस OTT सीजन 2 को लेकर तैयारी शुरू, जल्द होगा आगाज। खबरें हैं कि मेकर्स ने बिग बॉस OTT सीजन 2 लाने का फैसला किया है। जी हां, जल्द ही ऑडियंस को बिग बॉस OTT 2 देखने को मिलने वाला है। मेकर्स ने शो की तैयारी पूरी कर ली है और खबरें हैं कि इस बार शो में आम आदमी भी हिस्सा ले सकेंगे और इसके लिए जल्द ही ऑडिशन भी शुरू कर दिए जाएंगे। टीवी के तड़का, सातवीं राखी टॉप न्यूज, बहस हो गई है बॉडी शेमर को रूबीना दिलेक की फटकार। बॉस लेडी रूबीना दिलेक टीवी की मोस्ट लव्ड एक्ट्रेसेस में शुमार हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रोलिंग का शिकार नहीं होती। बाकी एक्ट्रेसेस की तरह भी रूबीना भी बॉडी शेम हुई हैं। रूबीना ने एक इंटरव्यू में बॉडी शेमर को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल रूबीना को कोरोना हुआ था और इसके बाद रिकवरी टाइम में एक्ट्रेस का काफी वजन बढ़ गया था। रूबीना ने सोशल मीडिया पर हेटर्स की क्लास भी लगाई थी। ऑनलाइन ट्रोलिंग पर रूबीना ने ई टाइम को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, खासतौर पर ट्रोल्स। एक्ट्रेस कहती हैं,
ट्रोल्स मेरे दिमाग पर तब असर करते हैं जब मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हेटर्स मेरी माँ, बहन और अभिनव शुक्ला के पेश खोज निकालते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अभिनव, मेरे पेरेंट्स, बहन के बारे में सुनना मेरे दिमाग पर असर करता है। अगर वो इफेक्ट होते हैं तो मैं भी होती हूँ। तब जाकर मैंने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया था। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबरें।